कैम शो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2024 में पूछा गया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में से एक क्वेश्चन। तो देखते हैं PNC में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो PNC में से क्वेश्चन पूछा गया था कुछ ऐसा। इन ग्रुप ए देर आर 4 men and 5 women। एक ग्रुप है ए जिसमें 4 men है एंड 5 women है। एंड इन ग्रुप बी, सेकेंड ग्रुप है बी जिसमें 5 men है एंड 4 women है। इफ 4 people सिलेक्टेड फ्रॉम द ईच ग्रुप, यानी कि दोनों में से कितने पर्सन हमको सिलेक्ट करने हैं, 4 4 each, देन फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट द 4 men एंड 4 women। यानी कि 4 men को सिलेक्ट करना है एंड 4 women को सिलेक्ट करना है, तो कितने तरीके से हम उसको कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे जो गिवन डिटेल्स है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमको दिया गया है ग्रुप ए। ए ग्रुप में क्या है, 4 men है, उसको हम M से डिनोट करते हैं, 5 women है जिसको हम W से डिनोट करते हैं। उसी तरह से दूसरा ग्रुप है बी जिसमें 5 men है एंड 4 women है। हमको यहाँ पे करना क्या है, हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना है 4 people को हमको सिलेक्ट करना है। उसमें क्या होना चाहिए कि 4 men होने चाहिए एंड 4 women होने चाहिए। चलिए, तो अगर हम इस ग्रुप में से 0 men को सिलेक्ट करते हैं तो बाकी के 4 women को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हमने यहाँ पे 4 women को सिलेक्ट किया, वुमन तो आ गई तो मेन बाकी रहे, तो इस ग्रुप में हम क्या करेंगे, 4 men को सिलेक्ट करेंगे एंड 0 women को सिलेक्ट करेंगे। उसी तरह से यहां से हमने 1 men को सिलेक्ट किया एंड 3 women को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे इसका उल्टा होगा। यहाँ पे 3 men को सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड 1 woman को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैन भी 4 होने चाहिए, वुमन भी क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। अगर दोनों में से 2 men and 2 women को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे भी सेम 2 men and 2 women को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ से हमने 3 men को सिलेक्ट किया एंड 1 woman को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे इसका उल्टा होगा। यहाँ पे 1 man सिलेक्ट होगा एंड 3 woman सिलेक्ट होगी। यहाँ पे हम 4 men को सिलेक्ट करते हैं एंड 0 woman को करते हैं सिलेक्ट, तो यहाँ पे 0 men सिलेक्ट होंगे एंड यहाँ पे 4 woman सिलेक्ट होंगी। तो ये टोटल पॉसिबिलिटी हो गई, ये 5 तरीके से हम इसको सिलेक्ट कर सकते अभी इन दोनों के लिए। चलिए, PNC में कैसे यूज करेंगे। 4C0 क्या होता है, 1 तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 5 में से 4 women सिलेक्ट करनी है, यानी कि 5C4 into 5 men में से 4 men को सिलेक्ट करना है, यानी कि 5C4। यहाँ पे 4C0 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, 4 men में से 1 सिलेक्ट होगा, यानी कि 4C1 इंटू 5 women में से 3 women सिलेक्ट होंगी, यानी कि 5C3 इंटू 5 men में से 3 men सिलेक्ट, यानी कि 5C3 इंटू 4 women में से 1 woman सिलेक्ट, यानी कि 4C1। चलिए, 4C2 सिमिलरली 5C2 इंटू 5C2 4C2। फोर सी थ्री 5C1, 4C3 5C1 इंटू 5C1 4C3। सिमिलरली यहां पे आएगा 4C4 एंड 4C4, क्योंकि 0 को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 होगा, होता तो ये भी 1 ही है लेकिन लिखना पड़ेगा। चलिए, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, स्क्वायर में। तो फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा,
फर्स्ट के लिए सबका अगर टोटल नंबर ऑफ फाइंड करने हैं वेज, तो सबका क्या करना पड़ेगा एडिशन हमको यहाँ पे। चलिए इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 5c4 का स्क्वायर प्लस इसका क्या हो जाएगा 4c1 का स्क्वायर 5c3 का स्क्वायर, 4c1 का स्क्वायर इंटू 5c3 का स्क्वायर प्लस उसी तरह से इसके लिए 4c2 का स्क्वायर 5c2 का स्क्वायर, 4c2 का स्क्वायर एंड 5c2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा 4c3 का स्क्वायर 5c1 का स्क्वायर, 4c3 का स्क्वायर एंड 5c1 का स्क्वायर प्लस लास्ट वन 4c4 का स्क्वायर। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 5c4 क्या होगा 5 का स्क्वायर, 4c1 होगा 4 का स्क्वायर, 5c3 क्या होगा, एनसीआर की फॉर्मूला हमको पता है, एनसीआर की फॉर्मूला होती है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 यानी कि 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, चलिए इसका स्क्वायर प्लस 4c2 यानी कि 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 यानी कि 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर प्लस यहाँ पे स्क्वायर है, 4c3 क्या होता है 4 4 का स्क्वायर, 5c1 होता है 5 5 का स्क्वायर, 4c1 होता है 1 1 का स्क्वायर। चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस इसका 4 का स्क्वायर 16, इसको सिंप्लीफाई करेंगे यानी कि 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 × 1 × 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल इसका स्क्वायर है यानी कि 2 प्लस इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 × 1 × 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल यहाँ से ये 2 कैंसिल इसका स्क्वायर, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल यहाँ पे कैलकुलेट किया क्या मिला 10 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 का स्क्वायर 1, कैलकुलेट कर लेते हैं ये हो जाएगा 25 प्लस 16 × 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होगा 100 यानी कि यहाँ पे आएगा 1600 प्लस यहाँ पे होगा 6 का स्क्वायर यानी कि 36 36 × 10 का स्क्वायर 100, 36 × 100 यानी कि 3600 प्लस यहाँ पे होगा 16 × 25 400 प्लस 1, इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने को आंसर मिलेगा 5626 यानी कि इतने तरीके से हम 4 men एंड 4 women को सिलेक्ट कर सकते हैं जो हमको फाइंड करने के लिए बोला गया।